हे गाइस, जैसा कि हम देखते हैं, यदि हम कभी भी रेलवे में की यात्रा करते हैं तो हमें क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हम सबसे पहले तो यदि कभी ट्रेन लेट हो जाए और हम ट्रेन की टिकट कैंसिल करें तो हमें पर टिकट का कितना रुपये देने पड़ता है? 30 रुपये। ठीक है, मान लो टिकट की ट्रेन ही 40 रुपये है, तो यदि हमसे 30 रुपये काट लिए गए तो हमें क्या ही बचे 10 रुपये। गलती किसकी होती है? ट्रेन की, वो देर आई है और हमने, जैसे कि कभी करके होती है कि हमें 1 घंटा देर बोला गया है, लेकिन वो हो जाती है और भी डिले 2 घंटे। तो इस बीच ना ही हमने कोई मतलब और साधन लिया, जैसे कि कोई हम अपनी खुद की कार बुक कर लें, ठीक है, ब्ला ब्ला कार होती है जैसे कि आजकल ऐप चल रही हैं, या कोई हम बस के थ्रू चले जाएँ तो हम वो भी बुक नहीं करते, सोचते हैं कि चलो छोड़ो, थोड़ा 1 घंटा देर ही सही, हम ट्रेन के थ्रू भी अपने डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुँचेंगे। लेकिन ट्रेन हो जाती है और भी लेट, तो उसका हम कैंसिल टिकट करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना, हमें ही मुआवजा देना पड़ता है, हमें ही पेनल्टी लगती है 30 रुपये पर टिकट। तो क्या ये केस आप कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हो? जी हाँ, एक केस मैं खुद पढ़ रही थी, उसका लिंक मैं आपको जरूर दूंगी और उसका आपको आपके साथ जरूर शेयर करूंगी वो, ठीक है। अगली वीडियो में, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको जरूर शेयर करूंगी वो मामला, जिसमें एक जो यात्री था उसने इस मामले को अराइज किया। तो एक अमेंडमेंट, मतलब एक लॉ बना कि यदि 3 घंटे से ऊपर की ट्रेन है, ठीक है, तो आप बिना पेनल्टी दिए ही टिकट कैंसिल कर सकते हो। लेकिन यदि 3 घंटे से पहले है, फॉर डेट 3 घंटे से पहले आपने अपनी रिफंड मांगा कि ट्रेन देर हो गई तो मुझे अपने, मैं अपना बस के थ्रू चल जाती हूँ या कार के थ्रू चल जाती हूँ या किसी अपने फ्रेंड को बुला लेती हूँ, ठीक है, या अपने घर वालों को बुला लेती हूँ, मैं अपना खुद का खुद चले जाऊंगी और मेरे को मेरे पैसे रिफंड दिए जाए, तो वो रिफंड नहीं मिलते, तो क्या आप इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो? जी हाँ, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। मेनली हम देखते हैं कि जो कोई प्रेग्नेंट वूमेन है तो उसको भी बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो हम ट्रेन सिस्टम में देखते हैं, जैसे कि ट्रेन पे यदि हम कभी यात्रा करें तो हम देखते हैं कि वहाँ कोई सैनिटरी सिस्टम नहीं होता, वहाँ टॉयलेट बाथरूम काफ़ी गंदे होते हैं, बैठने, जहाँ हम बैठे होते हैं ट्रेन के मतलब के लिए, तो वहाँ पे भी कोई पंखा वगैरह सही चल नहीं रहा होता, कोई भी सुख सुविधा नहीं होती। यदि किसी लड़की को मैंने मतलब पीरियड्स हैं या कोई और प्रॉब्लम है, अदरवाइज प्रॉब्लम है, तो वो भी वहाँ पे वो प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं जूझ रही होती है, तो उसके लिए भी कोई सुख सुविधा वहाँ पे नहीं है, कोई मेडिकल को सुविधा नहीं मिलती। इस तरीके से कोई माँ है जो अपने बच्चों के साथ आई है, तो उसके लिए भी कोई वहाँ पे वो नहीं होता सुख सुविधा कि वो अपने बच्चों के लिए, मतलब जैसे बच्चों को कोई घर क्या होता है, जल्दी ही कोई ना कोई बार बार बाथरूम टॉयलेट जाना होता है या उनको जल्दी गर्मी लग जाती है, तो उनके लिए भी कोई सुख सुविधा वहाँ पे नहीं है कि कोई वेटिंग रूम हो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, जो कि हमें नहीं मिलता, ठीक है, आमतौर पर आम जनता को नहीं मिलता। यदि कोई नेता वगैरह है तो उनको हर तरीके की सुविधा मिलती है, लेकिन एक आम जनता को नहीं मिलती, ठीक है। इसके अलावा यदि आप देखते हैं कि कोई भी पेशेंट है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत मतलब खराब है, मतलब किसकी तबीयत जल्दी ही खराब हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए भी कोई मेडिकल हेल्प नहीं होती कि उसको जल्दी ही मेडिकल हेल्प मिल जाए, कोई वहाँ पे इतना हेल्प करने वाला सिस्टम, प्रोवाइड सिस्टम नहीं है, कोई वहाँ पे कोई दवाई के लिए कोई क्लिनिक या कोई कुछ नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो सोचता कि यदि चलो मैं अपने अपॉइंटमेंट के लिए ट्रेन के थ्रू चला जाता हूँ या उसको जल्दी तबीयत खराब हो जाए तो उसको भी कहीं ना कहीं समस्या के साथ जूझना पड़ता है। तो इसके अलावा मतलब जैसे कि आप देखते हो कि ट्रेन के साथ हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन पेनल्टी किसको देनी पड़ती है यदि ट्रेन की टिकट कैंसिल करते हैं? तो एक कंज्यूमर को ही सारी पेनल्टी देनी पड़ती है, 30 रुपये जो कि पर टिकट है। तो उसके लिए आप कंज्यूमर केस कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन भी आप अपना केस फाइल कर सकते हो। यदि आपको ज़्यादा मुआवजा चाहिए तो आप सीधा स्टेट कंज्यूमर कमीशन भी केस फाइल कर सकते हो। यदि उसमें बस ये होगा कि जो डिमांड ड्राफ्ट की फीस लगेगी वो आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, जो डिमांड ड्राफ्ट की फीस होती है स्टेट में सीधा फाइल करने के लिए आपको ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। और यदि आप सीधा NCERC लेवल तक अपना केस फाइल करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा डिमांड ड्राफ्ट की फीस और आगे बढ़ जाती है, लेकिन आप सीधा अपना NCERC लेवल तक भी या स्टेट कंज्यूमर कमीशन तक भी अपना केस फाइल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। लेकिन जिला, यदि आप जिला उसमें जाते हैं, जिला उपभोक्ता न्यायालय जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन कहते हैं, तो वहाँ 5 लाख तक के केस जो होते हैं वो फ्री होते हैं, तो आप फाइल कर सकते हैं। तो यदि आपको कभी कोई ट्रेन के कारण आपको कोई समस्या को सामना करना पड़ा हो कोई भी, और आपको वो जो कि एक एक यात्री को सुख सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे कि आपको आपकी सीट मिलनी चाहिए थी लेकिन आपको सीट नहीं मिली, कोई टीटी आसपास नहीं थे या टीटी ने हेल्प नहीं करी,
यदि आपके बुकिंग टिकट की बुकिंग कंफर्म थी ट्रेन की और टिकट फिर भी आपका चालान लिया गया टीटी द्वारा, कोई भी आपको असुविधा का मतलब सामना करना पड़ा है, तब भी आप कंज्यूमर कमीशन में अपना कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि एक मैं उसके बारे में अलग बात बताऊंगी, एक मैं बात करने वाली थी वो अलग वीडियो में बताऊंगी। तो यदि आपका कोई भी आपने ट्रेन से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है कि मेरे राइट है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, ईमेल आईडी के थ्रू पूछ सकते हैं, अपना कोई कोर्ट केस फाइल करवाना तो वो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी जो ईमेल आईडी है devanshikansal@gmail.com है, DEEVEE111FHI, ये हमारा सोशल मीडिया अकाउंट नेम है जो कि FB, इंस्टाग्राम आपको लिंक हर जगह मिल जाएगा। तो आप हमें devanshikansal@gmail.com इस पे हमें मेल कर सकते हैं, DEEVEE111FHI पे आप हमें कहीं भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप हमें कॉन्टैक्ट करें मेल आईडी पे, वहाँ पे आपको जरूर आंसर मिलेगा devanshikansal@gmail.com पे। और ट्रेन से रिलेटेड आपके क्या लीगल राइट हैं, एक लड़की के स्पेशल राइट होते हैं वो क्या होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी जरूर अगले वीडियो में। और इस वीडियो में यदि आप पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में तो आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, हैव अ नाइस डे, बाय।